अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। आज सुबह हुई है जल्दी क्योंकि रात को व्लॉग एडिट नहीं हुआ था, मुझे नींद आ रही थी और मैं सो चुका था, इस वजह से एडिट नहीं किया था। तो अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, नाश्ता करने के बाद बैठ जाऊँगा व्लॉग एडिट करने। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। नाश्ता भी आ चुका और मैं सुबह का नाश्ता भी अकेले करता हूँ। दिन में नहीं, शाम में खाना खाता हूँ दिन का, वो भी अकेले, और सिर्फ रात में घर वालों के साथ खाता हूँ क्योंकि रात में जब शॉप से आता हूँ तो पापा वगैरह सब होते तो साथ खाना खाते हैं, वरना तो सुबह में लेट उठता हूँ तो अकेले नाश्ता कर, सारे नाश्ते कर चुके होते ना, इस वजह से मुझे अकेले करना पड़ता है नाश्ता। तो अभी नाश्ते में मेरा आ गया पराठा और साथ ही मामा ने दे दिया दूध। मामा ने कहा कि आज अंडा नहीं मिलेगा, आज तुम दूध रोटी खाओ, जान बनाओ। मैंने बोला चलें ठीक है, मैं दूध रोटी खाता हूँ, अब मैं करूँ जल्दी से नाश्ता। व्लॉग एडिट करने बैठ चुका हूँ, अब जल्दी से करता हूँ व्लॉग एडिट। नाश्ता भी कर लिया और अभी अपना प्रीमियर खोला हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए। ये एडिट करके मुझे फिर 12 बजे जाना है किसी काम से, फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसी से मिलने जाना है। तो अभी मैं करूँ जल्दी जल्दी से व्लॉग अपना एडिट। मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा था तो व्लॉग एडिट करते करते आयशा आ गई है घर पर। तो अभी मैं आयशा को आवाज़ देता हूँ क्योंकि जब से इस्लामाबाद से आया हूँ उसके साथ व्लॉग नहीं बनाया, मिला था बट वो थोड़ी नाराज़ थी ना मुझसे, इस वजह से उसके साथ व्लॉग नहीं बना। तो अभी मैं एडिट भी कर रहा हूँ, अभी आयशा को आवाज़ देता हूँ, वो भागते भाई। आयशा पता नहीं आएगी भी नहीं आई। आयशा नहीं, इग्नोर कर रही है, फुल इग्नोर। आयशा आयशा पता नहीं आवाज जा रही है नहीं जा रहा है, सबर इसको मैं जाके बुलाता हूँ। आयशा आयशा आवाज गए, हेलो आती कट्टी दिखा रही है, कहो मेरी आयशा को। अच्छा मामू बताइए तो क्यों इतना एक्शन क्यों? क्या बोल रही हो आप? सिर्फ पता नहीं क्या बोलूं। और आयशा कैसी, स्कूल नहीं गई आज? स्कूल नहीं गई? मेरे प्रोग्राम नहीं है, है मेरा। ओ बुखार है आयशा को तो, मेरी बच्ची को बुखार है। अच्छा जल्दी से हेलो कर दी। हेलो कैसे हैं आज आयशा? आयशा की तबीयत ठीक नहीं, इसको फीवर है, वरना ये आती सैटरडे को। आज है वेनसडे तो ये वेनसडे वाले दिन आई है घर, और साथ ही आते साथ ही जेली खा रही है, तबीयत ठीक नहीं। चलो जाइए, आयशा मामू कर रहे हैं अपना काम, अल्लाह हाफिज़। चलो भाई बोलिए टाटा। व्लॉग एडिट हो चुका और अपना बैग पैक कर लिया, मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप, ये बैग शॉप पर रख दूँगा, फिर वहाँ से मैं चले जाऊँगा किसी से मिलने, फिर आगे फिर वहीं शॉप में ही व्लॉग अपलोड वगैरह कर दूँगा। चले, 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 चले। मैं शॉप से आया तो आयशा और उमर ऊपर थे, मैं भी ऊपर आ गया। मामा ने इधर कपड़े वगैरह डाले हुए धो के, तो थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। क्या हुआ चुचू? चुचू नहीं, कहाँ उमर? नहीं इधर तो नहीं, कहाँ गया आयशा? चुचू नहीं, आयशा चुचू को ढूंढ रही है, उसको ढूंढ रहे चुचू का। क्या हुआ क्या हुआ चुच्चू? इसको नहीं दिख रहा, कहाँ है आयशा? चुच्चू सारा उड़ गया, चुच्चू उड़ गया सारा। इसको छोड़ो, अब थोड़ा सा इन लोगों के साथ जरा खेल लूँ, फिर इसके बाद ऊपर जाऊँगा। उमर ये दोनों तो बिल्कुल हैरान, इन दोनों को नहीं पता था चुच्चू कहाँ है, कि चुच्चू घूम गया। उमर ओ, 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 ओ नानी मारेंगी।
इसको मैं इसलिए नहीं लेकर आता हूँ, ये अभी रेडी होकर आया, पूरा अपने कपड़े गंदे कर लेगा। मैं अक्सर आता हूँ आयशा ही को लेकर आता हूँ, क्योंकि आयशा इतना तंग नहीं करती, सिर्फ खेलती है, वो मस्ती करती है। ये देखिए ये कपड़ा डला हुआ और इन लोगों की हरकत। अभी आ रही नानी, उम्र बताएंगी आपको, नानी आ रही है, नानी आ रही है। हेलो चलो कपड़े छोड़ दो, नानी मारेंगी। और मैं नीचे बोल कर आया हूँ सिस्टर को कि स्पैगेटी बनाओ, स्पैगेटी खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा जो पेट है ना वो थोड़ा सा फुल है। तो मैंने कहा कि आज स्पैगेटी खाना, स्पैगेटी और टी वगैरह पी के फारिग हो जाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे जाना है दोस्त के पास, उसके पास थोड़ा सा मुझे काम है। अब ये लोग थोड़ा सा खेल रहे, मैं इनको लेकर जाऊँ नीचे। अब ये उमर आया ना, उमर नीचे जाने मांगे गई नहीं, ये जिस चीज़ का डर था उसने वही किया, बैठ गया और अपने पूरे पाँव कपड़े गंदे कर लिया। उमर चलो नीचे, अब चल चल चलो आ जाओ ईशा, अब इन लोगों में लेकर जा रहा हूँ नीचे, लेकर आ चुका इन लोगों को नीचे। मैं अब स्पैगेटी दिखाता हूँ, स्पैगेटी बन रहा, चलो ईशा देखें स्पैगेटी। अब उमर नहीं आएगा मेरे पास। इधर स्पैगेटी बॉयल हो रहा है और यहाँ पे भी प्याज लाल हो रहा है, फिर इसके बाद इधर पेस्ट वगैरह बनेगा मसाले का। ये दल चुके टमाटर और शिमला मिर्च, आज भी मैं खुद ही पेस्ट बना रहा हूँ। फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद स्पैगेटी बन चुका है, ये रहा। इसको अब चेक करते हैं ये बना कैसे। मजा आया, बहुत यम्मी बना, बहुत ज्यादा यम्मी। अब जल्दी से स्पैगेटी खा लूं, स्पैगेटी फिनिश कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा फैजी लोग के पास, थोड़ा सा उधर बैठने, क्योंकि ना लाजमी हो चुका है, लाजमी का मतलब लाजमी, शाम में मैं 15-20 मिनट या आधे घंटे लाजमी जाता हूँ फैजी भाई लोग के पास बैठने। थोड़ा सा एक आदत होता है ना, एक आदत लग गई, उधर जाना है बस, रोज़ रोज़ जाना है। अभी दोस्त के पास से घर पर आया और ये मैं इसके साथ 1.5 घंटे से खेल रहा, इसका बाल पूरा पागल बन गई है बिल्कुल। और ये अनाबिया के नाम से ना बहुत ज्यादा चिढ़ती है, अभी ये रूम में खेल ली। ये रूम में उधर खेल ली थी इसके, ओ, मैं इसको कहा कि मैं जा रहा हूँ अनाबिया के साथ ब्लॉग बनाने, फौरन भागते हुए आई मेरे साथ ब्लॉग बनाने के लिए। और अभी ये पूरी ज्यादा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ हो रहा है इसका हुलिया। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा बोलो लाइक कमेंट्स, कमेंट्स करें आराम से ना, कमेंट्स करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और आयशा की है संडे को बर्थडे, अब बर्थडे करेंगे हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट। सही है आयशा, इसको इसको बहुत शौक है ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का और इसको केक काटने का। तो संडे को इसका बर्थडे, संडे को व्लॉग लाजमी देखें आप लोग। अभी तो 3-4 दिन है इसके बर्थडे में, तो वो भी व्लॉग काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आयशा अल्लाह हाफिज़, टाटा, अल्लाह हाफिज़, टाटा।